बिहार सीएम नीतीश कुमार जी कह रहे हैं जो पिएगा तो मरेगा, लेकिन जब जो पीता है वो मरेगा ही, तो फिर लोग पीते क्यों हैं? और जब बिहार में बैन है तो लोग दूसरे साधन तलाश रहे हैं और हादसा दुर्घटना भी हो जा रही है। लोग पीते क्यों हैं और पीने के बाद होता क्या क्या है, ज़रा मानसिकता पता करते हैं पीने वालों की। चलिए, नीतीश जी कह रहे हैं पिएगा तो मरेगा, तो जब पता है पीने वाला मर जाता है तो लोग पी क्यों रहे हैं? शराब पीने से तो मरता नहीं आदमी, लोग अपने एंजॉय के लिए टेंशन में होके पीते हैं शराब। भाई शराब पीने से अगर सारा लोग मरने लगे तो आज के समय 70-80% लोग शराब पीते हैं, शराब से तो लोग मर नहीं रहे हैं। शराब पीने से अगर सारे लोग मरने लगे तो शराब हर एक स्टेट बैन हो जाएगी। नहीं, केवल एंजॉय के लिए पीते हैं या कुछ दुख दर्द हो जाता है या कुछ और मामला? शराब तो हर एक चीज़ पी जाती है, गम का दौर हो, खुशी समा बांधती है शराब। ये तो बड़े बड़े शायरों ने गाया है, शराब तो जन्म जन्मांतर से आज से नहीं है। तो शायरों की लाज बचाने के लिए शराब पी जा रही है? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, लोग अपने कोई टेंशन में पीता है, कोई मजदूर है थक जाता है उसे पीता है। लगभग आज के समय में 70-80% लोग शराब पीते हैं तो मरी थोड़ो रहे हैं लोग। भाई शराब आप अच्छी दुकानों से खरीद, कभी कभी जहरीली शराब से मर जा रहे हैं ना लोग, वहाँ कितना बड़ा हादसा हो गया है। तो अवैध रूप से जहाँ शराब मिलेगी वहाँ लोग मरेंगे? भाई नंबर 1 की रजिस्टर्ड दुकानों से शराब लीजिए आप। अब तो बार कौन स्कैन नहीं गया, स्कैन करके देख लीजिए शराब अच्छी है ख़राब है। भाई शराब अगर उसका तो बिहार में तो बंद है, अब बिहार वालों के लिए तो बड़ी दिक्कत हो गई, लेकिन वो बेचारे बोल रहे हैं कि हमको खुलवाओ, कई लोग बोल रहे हैं ऐसे। नहीं, बिहार में भी शराब मिलती है, थोड़े महंगे दामों मिल रही है, अदर स्टेशनों से जा रही है शराब, नंबर 2 की जहरीली शराब लोग पी रहे हैं, मर रहे हैं। भाई शराब अगर बैन करनी है तो बिल्कुल ही बैन कर दीजिए। भाई शराब पूरे देश में? पूरे देश में नहीं, जहाँ पे मतलब मर रहे हैं लोग वहाँ बिल्कुल बैन कीजिए, अगर गवर्नमेंट से बैन है। कई लोग बोलते हैं कि पूरे देश में बंद कर दो। नहीं, उससे बहुत राजस्व है गवर्नमेंट, शराब तो नहीं बंद होनी चाहिए भाई, गवर्नमेंट चल रही है, बहुत राजस्व है शराब से, माहौल भी बनता है ना, मूड बनता है, माहौल बनता है शराब से, देश चलने बनना चाहिए। दुनिया बंद रही, कोरोना में ठेके खुल गए, भाई शराब से देश चलना है, और शराब से ठेके बंद हो जाएंगे तो देश कहाँ चला जाएगा? भाई ठेके से पूरा देश चल रहा है, अगर देखा जाए तो सब कुछ बंद रहा, कोरोना में आदमी मरता रहा, लेकिन ठेके खुल गए, पूरे भारतवर्ष में ठेके खुल गए, और ठेके ना बंद हुए और अभी भी चल रहे हैं ठेके। भाई जिन प्रदेशों में बंद है उनकी गवर्नमेंट जाने भाई, घाटा है क्या है? कुछ लोग पी 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 के इधर उधर गिरते रहते हैं, तो इसलिए दिक्कत, शायद शराब इसलिए बदनाम भी ज्यादा है, गिरते हैं या फिर गाली गलौज या लड़ाई वड़ाई करते हैं। 1-8% ऐसे भी हैं लोग जिससे शराब का माहौल गंदा हो रहा है, कुछ लोग भले अपने इंजॉय के लिए पीते हैं, कुछ लोग सड़क छाप हैं वो पी के नाली में पड़े रहते हैं। 1-8 ऐसे भी हैं 100 में, भाई 100 आदमी 5 उंगलियां एक जैसी होती नहीं है, 1-8 आदमी ऐसा भी होता है भाई पी ली तो उसे होश ही नहीं अपना है कि हमने कितनी पिया कितनी ना पिया, तो पी जाए कि नहीं पी जाए। ऐसे लोग बेचारे वो नाली में गिर गए, घर परिवार वाले तो बोलेंगे नहीं पियो। नहीं सर, हिसाब से पी जाए, जितना अपना क्षमता, हिसाब से पी जाए, ये कह रहे हैं कि हिसाब से पीना चाहिए। आप बताइए क्या हिसाब है, पीने का क्या हिसाब है? सर देखो, पीने का आर्मी और डॉक्टर भी कहा है कि एक पैग हमें अच्छे से खाना खिलाती है, टेंशन दूर करती है, दूसरा पैग सुला देती है, लेकिन अब ये आउट ऑफ लिमिट किसी भी चीज़ को करेंगे तो नुकसानदायक ही है। आप जहरीली शराब पियेंगे, कम पैसे की शराब पीना चाहेंगे, सोचेंगे कि 1200 रुपये की बोतल की जगह 70 रुपये में काम चल जाए, 60 रुपये में काम चल जाए, और हमें ठेके पे 20 रुपये का पेट्रोल खर्च करके ना जाना पड़े, रेडी पटरी वालों से वैसे ही ले लें लोकल शराब, जहर है वो पी के तो मरना ही मरना है। उसमें क्या क्या मिला होता है, कुछ आपको आइडिया है? सर आइडिया तो हमें तो इतना पता है कि कुल मिला के जहर है वो, जो लोकल शराब है, नकली शराब रजिस्टर्ड दुकानों से शराब नहीं, घरों में बिकती है, रोड पे वैसे ही बिकती है, जो गाड़ियों में लोग 2 नंबर से बेचते हैं वो जहर ही बेचते हैं, वो शराब नहीं बेचते हैं, जो रजिस्टर्ड लेके बैठे हैं वो दुकान वो शराब। जी ने बयान दिया पिएगा तो मरेगा, जो पिएगा वो तो मरेगा ही, इस बयान पे क्या प्रतिक्रिया है? सर इस बयान पे प्रतिक्रिया ये कि 90 से तो मैं पी रहा हूँ, 42 ईयर्स उम्र हो गई है अभी तक, लेकिन एक पैग या दो पैग, और नीतीश जी कह रहे हैं, क्या नीतीश जी क्या राजनेता नहीं पीते? सबसे ज्यादा राजनेता पीते हैं, अपनी चुनाव में सबसे ज्यादा शराब ही बटती है, किस चुनाव में शराब नहीं बांटी जाती है? सबसे पहले प्रतिबंध शराब पे ही लगाना चाहिए नीतीश जी को। नीतीश जी बिहार में तो ठेका बंद कर दिए हैं, लेकिन अवैध रूप से उनके माफिया खूब बेच रहे हैं और खूब बिक रही है शराब बिहार में, पूर्ण रूप से बंद कर दो बिहार में। आओ दिल्ली यूपी में कहाँ लोग मर रहे हैं, कहाँ हरियाणा में खूब शराब बिक रही है, मर रहे हैं। पंजाब सबसे ज्यादा खुशहाल देश है, पंजाब में खूब शराब बिक रही है, कौन से लोग पंजाब में मर गए? मतलब अगर बैन होगा तो लोग दूसरे तरीके निकाल रहे हैं पीने के, कुछ और तरीके। बैन होने का दूसरा तरीका यही है कि लोग नकली शराबें बनाते हैं,
और नकली शराब नहीं बनानी चाहिए, नकली शराब से लोग मरेंगे ही मरेंगे। अच्छा, लोग पी के पीते क्यों है? लेकिन कई लोग जो नहीं पीते हैं बोलते पीने में मिलता क्या है आपको? सर पीने में देखो जी, हम मेरी झगड़ा हो गया दोस्त से, अब वो बात मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता, तो एक पैक पी के आराम से घर जाके सो गया, वरना टेंशन होगी। अब भाई की शादी है, भतीजे की शादी है, वैसे कदम नहीं उठ रहे हैं, और पी के थोड़ा सा डीजे विनाश लेते हैं, डेफिनेटली सीधी सी बन जाता, मूड बन जाता है, मूड बन जाता है। लेकिन एक और दो पैक में, अब पांच पैक पियोगे तो नाली का माहौल बनाओगे। नहीं, कभी कभी शर्त लगती है तो क्यों नीट पी के दिखा दे सर, शर्त लगती फिर ना। हाँ शर्त लगा लेते, लेकिन हमें उसमें भाई अंदर तो नुकसान होता है ना, शराब पीना तो हानिकारक है। सर शराब पीना हानिकारक है, लेकिन उसके पूरी पूरा सेंटेंस बोलो, शराब पीना हानिकारक है लेकिन लिमिट आउट ऑफ कंट्रोल, लिमिट से ज्यादा हानिकारक है। लेकिन आप लिमिट में पियोगे, आर्मी वालों को क्यों शराब देते हैं? हानिकारक है, कल्ली भारत अपने कब्जे से बाहर हो जाएगा। अगर आर्मी वालों को शराब ना दी जाए तो पाकिस्तान चीन कल्ली हमला कर लेंगे। मतलब शराब के बल पे हम टिके हैं, शराब के बल पे वहाँ हम टिके हैं, ऐसी सर्दी में हम शराब के बल पे ही टिके हैं। वहाँ शाम को दो पैक पी के सर्दी में खड़े हैं वहाँ आर्मी वालों के लिए। आपको भी लगता है कि यहाँ भी जो पीते हैं वो भी सैनिक है क्या? बिल्कुल सैनिक ही है। अच्छा, हम पीने वाला सैनिक है, सैनिक ही है। सैनिकों की मदद करने के लिए, एक आम आदमी अगर ड्राइवर है वो गाड़ी चला के सैनिकों के लिए खाना ले जा रहा है तो वो सैनिक है। हम जो सैनिक ड्रेस पहन रहे हैं उनके लिए टैक्स जमा कर रहे हैं तो हम भी तो सैनिक ही हुए, हम भी तो उनके भाई हुए। तो मतलब पी के आप सरकार का योगदान कर रहे हो? बिल्कुल योगदान कर रहे हैं पी के, हम टैक्स भर रहे हैं भाई। सरकार की चीज को राजस्व जो जमा जा रहा है, सरकार के पास जा रहा है, वो किसका जा रहा है? हम तो भारत के लिए टैक्स दे रहे हैं, ये देश का रेडी तो चुका रहे हैं भाई। या तो ये शराब ही क्यों, कोई दूसरी रास्ता से आप योगदान दे दो। सर योगदान जीएसटी से भी दे रहे हैं, शराब से भी दे रहे हैं। शराब क्यों बुरी लग रही है? शराबी क्यों बुरी? हम आपसे पूछना चाहते हैं शराब बुरी क्यों? नशे में कभी पीते थे लोग? नशे में इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, मर्डर हो जाते हैं, मर जाते हैं जहरीली शराब में कई बार, ओरिजिनल नहीं पिए तो ये सब इसलिए लोग बोलते हैं इससे बचो। सर देखो हम तो कहते हैं 100% में 100% तो मार्क किसी के नहीं आते। एग्जाम में 100 में से अगर 5 आदमी रोड पे पड़े हैं, मर रहे हैं, जी रहे, लेकिन 70 आदमी शराब पी के 100 भी तो प्यार से रहे हैं। तो शराब प्यार बढ़ा रही है आपके हिसाब से? प्यार बढ़ा रही है, शराब प्यार बढ़ा रही है। जरा पूछते हैं, शराब प्यार बढ़ा रही है? आइए, शराब प्यार बढ़ा रही है क्या? हमारे हिसाब से तो हम लोग स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हुए हैं, तो उस हिसाब से अगर हम बोले तो कोई भी चीज़ हो लाइफ में, जो भी नशीली पदार्थ वो तो हानिकारक होता ही होता है। और जैसे हानिकारक पदार्थ कुछ भी हो, चाहे शराब हो, नशा हो, भांग हो, गांजा हो, कुछ भी तरह का, वो सब हानिकारक है, हानिकारक ही रहेगा। तो आदमी को ऐसा होता है थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होता है कि थोड़ा गम को भुला दे। वो कौन सा गम आ गया, कौन बुल दिल तोड़ गया? ऐसा रीज़न ये होता है कि हर एक प्राणी, हर एक आदमी के, मानव के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएँ रहती है। अब हम अगर समस्या लड़की या वाइफ तो नहीं हो? नहीं, देखिए सब तरह का होता है। एक कोई होता है कि बिजनेसमैन डिपार्टमेंट से कोई लव प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं होती है। आप हर एक के जीवन में, हमारे जीवन में, आपके जीवन में। आप क्यों पीते हैं? आप क्यों पीते हैं? ऐसा है, हम तो पीते नहीं है, जो बात है नहीं पीते हैं। और वो बात कभी कभार, कभी कभार की तो अलग बात है। कभार वाले आप समझ गए, आपकी बातों से लग रहा है ऐसा। ऐसा आता कि जिस माहौल में आदमी जाने के बाद उस माहौल में थोड़ा सा तो रहना ही पड़ेगा, अगर नहीं रहेगा तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं। माहौल है कि अगर हम जिस ग्रुप में बैठ रहे हैं उस ग्रुप में कम से कम योगदान तो देना ही पड़ता है। अच्छा। अगर बिल्कुल नहीं देंगे तो कोई नाम नहीं। बिल्कुल मतलब उस माहौल में मतलब दोस्ती बनाने के लिए आपको तो पीना पड़ेगा जी, तब जाके दोस्ती बढ़ेगी, इससे दोस्ती बढ़ती है। अब आप जो सोचिए, आप दोस्ती बढ़ रहे हैं या फिर आपसदार की बात होती है, अपनी सबकी अपनी अपनी एक बातें होती है। बहुत सारी तरह के इमोशनल फील होता है कि नहीं चलो जो हो रहा है समय के अनुसार सही हो रहा है। और जो लोग मर रहे हैं बेचारे? नहीं देखिए, इस पे तो हम ये कहना चाहें कि जो मर रहे हैं, जो मतलब इसका ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेवन कर रहे हैं तब तो फिर दिक्कत है। हो सके तो इतना सेवन कीजिए जिससे आपको भी कंफर्टेबल महसूस हो और सामने वे पब्लिक को भी लगे कि नहीं यार, सामने बंदे पी के भी लगे कि ये बिल्कुल पिया हुआ नहीं है, इस तरह से पीना चाहिए। ऐसा क्या है, नशे वाली चीज़ पी रहे हैं और लगना भी चाहिए कि हमने पिया नहीं है? अरे तो कंट्रोल करके, कंट्रोल कैसे करेगा आदमी? हर एक चीज़ का एक मतलब समय सीमा निर्धारित होता है कि आप कोई भी कार्य करो, अगर हम कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, कम करते हैं तो मतलब उस लेवल पर करते हैं तो कंफर्टेबल महसूस होता है। तो कोई भी काम हमें इतना नहीं करना चाहिए कि जिससे खुद को भी हानि हो और सामने वाले को भी उससे क्षति पहुँचे। ज़्यादा नहीं करना है, लिमिट में लेना है, इनका कहना है।
आइए जरा पूछते हैं आपसे, लिमिट में लेना एक बार बताइए, आप भी पीते हैं? नहीं जी, मैं तो नहीं पीता। नहीं नहीं, सच बताओ। सच बता रहा हूँ, मैं नहीं पीते। अच्छा, क्यों नहीं पीते? जो जो नहीं पीते उनसे भी पता कर लेते कि वो क्यों नहीं पीते, क्या बोलते हैं आप उनके बारे में? इच्छा है मन की, हमारा मन नहीं है पीने का। नहीं नहीं, मन जैसे मैं भी नहीं पीता हूँ, तो क्यों मन नहीं है? पीते ही नहीं है, हमारे बुजुर्ग नहीं पीते, पीछे से पीते नहीं आ रहा कोई भी घर पर। जो लोग पीते हैं उनको देख के आपके मन में क्या ख्याल आता है? हमारे मन में ये ख्याल आता है, जो पी रहा है या तो लिमिट से पिए या तो पीना नहीं पिए, या तो पिए ना, और पी रहा है तो लिमिट के अनुसार पिए। और सरकार अगर बैन लगा दे, जैसे बिहार ने बैन लगा दिया, सरकार बैन लगा देगी कोई पीने का ही नहीं है वहाँ, लेकिन साइड से लोग पी रहे हैं, नकली पी रहे हैं, इधर उधर की पी रहे हैं, कुछ और व्यवस्था बना रहे हैं। वो भी तो सरकार ही भेज रही है दारू, कोई भी अगर जो सरकार दारू भेज रही है तभी बिक रही है। सरकार बंद कर देगी, ठेके बंद हो जाएंगे, लोगों को नहीं मिलेगी, पीनी बंद कर देंगे, ये तो सरकार को फ़ायदा हो रहा है ना सब चीज़ों से। ज़्यादा फायदा किस में है, पीने में है कि नहीं पीने में? नहीं पीने में फ़ायदा है यार, कोई आदमी किसी को परेशानी है, किसी को पीनी है, आज की डेट में ऐसा हो गया, कोई शादी पार्टी में या कोई फंक्शन में आदमी जा रहा है तो उसे दारू चाहिए ज़रूर, तो इसलिए भी आदमी यूज कर रहे ज़्यादातर दारू को। फंक्शन में ऐसा क्या कि दारू बिना काम ही नहीं हो रहा? नहीं, आज की डेट में मान चलो मेरा ही कोई फ्रेंड आ गया, मेरा ही बर्थडे आ गया, तो पार्टी में दारू चाहिए दारू में चाहे पार्टी हो। पार्टी का नाम दारू क्यों हो गया है? पर उसके अलावा लोग पार्टी के मानते ही नहीं दारू, जब तक हिसाब से चल रहा है ना, माहौल ही ऐसा बन गया, क्या करे, दुनिया बदल रही है, माहौल बदल रहा है, आदमी कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं कर रहा, दूध पसंद नहीं कर रहा, या तो बियर चाहिए, बियर नहीं तो बिस्की चाहिए, दारू चाहिए, कुछ तो चाहिए इंसान को, वही चल रहा है। तो पार्टी के मायने बदल गए हैं, जब तक दारू नहीं तब तक पार्टी नहीं, गजब स्थिति है इस समय। जी, आप शराब पीते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं पीते। नहीं, अच्छा, कुछ लोग पीते हैं, उनको देख के आपके मन में क्या ख्याल आता है? ये मानसिक संतुलन खो रखा है लोगों ने, जो पीते हैं ख़राब चीज़ है, लोग समाज गंदा कर रहे हैं, इससे हेल्थ के साथ साथ सोसाइटी में जो असर पड़ रहा है वो बहुत ख़राब है। नहीं, ये कैमरे पे बोल रहे हो या अंदर की बात भी है? नहीं नहीं, अंदर की बात भी यही है, अंदर की यही बात। नशे से कोई दोस्ती यारी नहीं है। आप क्या करते हैं? लॉ का स्टूडेंट। हाँ, मम्मा पापा देखने ले, इसलिए आप बोल रहे हो ये? नहीं नहीं नहीं, घर में भी कोई नहीं करता, वैसे भी नहीं करता। अच्छी बात है। आप पीते हैं? जी बिल्कुल नहीं। कभी कभार, एक आध बार? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ओकेजनली भी नहीं, ऐसे भी नहीं जी। हम जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, एडवोकेसी है, उसमें ऐसा अलाउड नहीं है। और यहाँ पे आपको भी पता है, जैसे कि दारू पीने के बाद बेसिकली क्या होता है, लोग रैशन, हमने तो सुना वकील लोग पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से लड़ते रहते हैं। नहीं जी, तो आप नहीं अलाउ है वाले, तो अलाउ वाले पक्ष में भी लड़ते हैं? नहीं नहीं, हम तो यही बोलेंगे, आपने जो हमसे सवाल पूछा सीधा एकदम उसका जवाब देंगे, दारू पीना गलत है। दारू पीने के बाद बेसिकली देखिए, लोगों का मानसिक संतुलन खो जाता है, लोग गाड़ी ठोक देते हैं, और उनसे ज़्यादा उन्हीं का नुकसान होगा, उनका शारीरिक भी और मानसिक भी। तो बस यही कहना था। क्या करते हैं वैसे आप? अभी वकील बन चुके हैं या फिर बन चुके? मैं अपना मास्टर्स कर रहा हूं एलएलएम क्रिमिनल लॉ में। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? मैं बीएलएल भी कर रहा हूं फिलहाल। बीएलएल भी? वैसे आपकी शक्ल से लगता नहीं कि आप पीते होंगे। नहीं पीता। नहीं पीते लग रहा है एकदम। क्यों नहीं पीते वैसे? क्योंकि अच्छी बात है नहीं पीते, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि आपको पी लेना चाहिए, जैसे मैं, मुझे भी लोग बोलते हैं कि आप पियो, मैं नहीं पीता, लेकिन आप वैसे क्यों नहीं पीते, आपका कारण क्या है? बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि मतलब हमारे कभी भी कोई ऐसा रहा नहीं है कि कोई पीता हो, तो वही संस्कार वही सब मुझ में भी है कि नहीं पीनी है मुझे। और मेरा तो बेसिकली ये मानना है कि अगर कोई पी भी रहा है तो कम से कम ऐसे पिए कि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। पीने दूसरों को नुकसान कैसे नहीं पहुंचाएंगे? लोग ज़्यादा पी लेते हैं और लोग नीट वीट की वो शर्त लगाते हैं, वो तो उनका आपसी मामला है, पर मैं तो उसमें ये बोलूँगा कि लोगों को आपके साथ। अच्छा, आपके जो दोस्त लोग पीते होंगे उनकी हरकतें क्या क्या देखी आपने? भाई ये है कि माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं करते, उनका फ़ोन आता है, ठीक है। और प्लस दूसरी बात यही रहेगा कि जब आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हो आपको पता चल जाता है कि आप किस टाइप के लोग हैं। नहीं, लड़ते झगड़ते कभी ऐसा हुआ कि टल्ली हो के एकदम माहौल खींच दिया? क्या माहौल खींचते हैं वो? अब ये तो हमारे दोस्त बताएंगे, आ जाइए भाई। क्या माहौल खींचते टल्ली होने के बाद? ज़्यादातर क्या करते हैं? आपसी विवाद करते हैं दोनों, दो पार्टी में अक्सर आपसी विवाद होता है, छोटी से छोटी बातों को लेके। अरे भैया सिंगम लग रहे हो बिल्कुल। बस यही मैं बताऊँगा। अंग्रेजी नहीं बोलते? अंग्रेजी तो उनके अलग ही लेवल की निकलती है, कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का बूस्ट हो जाता है। तो अंग्रेजी पीनी पड़ती है ना? हाँ, हमारा देश ऐसा है, पीने के बाद कुछ लोगों की अंग्रेजी निकल जाती है, देखा है हमने आपस में। पीते हो कि नहीं पीते हो आप? जी नहीं पीते। नहीं पीते? हाँ। अच्छा, ये तो पकड़ के लाए आपको कि पीता यही है? ये दोस्त है, मजाक नहीं करेगा मेरे से। लोग पीते क्यों हैं? आप पीते हैं कि नहीं? मैं तो पीता हूँ जी। और लोग क्यों पीते हैं? सबका अपना अपना शौक है, इसलिए पीते हैं। आप क्यों पीते हैं फिर? आप क्यों? बस इंजॉयमेंट के लिए पीते हैं, पीता हूँ मैं।
बस इंजॉयमेंट। दुनिया में और भी तरीके इंजॉयमेंट के, यही तरीका क्यों? क्योंकि इससे सुरूर बन जाता है पीने के बाद। बस ये बनाई गई है पीने के लिए बनाई गई है, अगर नहीं बनाई जाती तो नहीं पीते, नहीं होती तो नहीं पीते, नहीं होती तो नहीं पीते। हाँ जी। सुरूर बनने के बाद में ऐसी, अगर ये सुरूर इससे बन रहा है, यही क्या इसका कोई रिप्लेसमेंट और हो सकता है क्या सुरूर बनाने के लिए? हाँ, रिप्लेसमेंट हो सकता है, अपना एंजॉय करो, अपना डांस वांस करो, उससे भी हो सकता है। तो फिर भी आप इसको चूज़ करते हैं क्यों? यही तो सवाल है। चूज़ बस स्ट्रेस फील करने के लिए, बस पी लेते हैं स्ट्रेस रिलीव, मतलब कम करने के लिए, कम करने के लिए। हाँ। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा है कि लड़की छोड़ गई, वाइफ छोड़ गई, क्या हो गया ऐसा? पहाड़ नहीं टूट गया, सबका अपनी अपनी चॉइस है। अब मेरी चॉइस है, पीते हैं पर खराब शराब नहीं पीते, गंदी शराब नहीं पीते, ब्रांडेड शराब पीते। अच्छा, आप भी उसमें से हैं जो पीने के बाद में अंग्रेजी थोड़ा सा ज़्यादा बोलने लगते हैं? नहीं नहीं, मैं तो बिना पिए भी अंग्रेजी बोलता हूँ और पी के भी अंग्रेजी बोलता हूँ। लेकिन आपने देखा होगा ऐसा लोग हैं, दो घुट गई अंदर अंग्रेजी निकलने लगे। हाँ, वो आउट ऑफ सेंसेस हो जाते हैं, डिपेंड करता है वो कितनी पी रहे हैं, लेकिन वो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ, पीने के बाद, पीने के पहले नहीं बोलते, पीने के पहले नहीं, क्योंकि सेंस, जब उनके पहले 5 सेंस काम करते हैं, पीने के बाद 6 सेंस काम करते हैं, पीने से 6 सेंस हो जाता है कई लोग। लेकिन इधर उधर की शराब पीते हैं, आप बोल रहे हैं कि आप ब्रांडेड पीते हैं। ब्रांडेड, हाँ, अगर पीनी। अच्छा, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड कैसा पहचान, क्या पहचान है उसकी? पहचान यही है, ब्रांडेड पे लेबल आते हैं, और जो लोकल शराब होती है कोई भी लेबल नहीं होता उन पे, वैसी लोकल रहती है, उसका कुछ नहीं रहता। ये है, कुछ नहीं रहता। हाँ जी। आप पीते हैं कि नहीं? आप नहीं, सम टाइम आई ड्रिंक, बट वो तभी होता है ओकेशनली जिसे कहते हैं, ऐसा भी नहीं हो पी के हम घर में ही पीते हैं। मतलब आर्मी से हमारे बंदे वगैरह भी हैं, मतलब हमारी फैमिली से ही है, तो कभी कभार उनके साथ लगा लिया, तो इट्स नॉट अ बैड हैबिट। आप बाहर देखेंगे, फॉरेन साइड में देखेंगे, तो ही इन्जॉयड, मतलब वो अपने पूरी वीक को भसड़, मतलब जो कहते हैं ना स्ट्रेस हो जाता है, काम होता है, स्ट्रेस को बस करने के लिए थोड़े बहुत हल्के फुल्का पी लिया, पर ऐसे ही पी के वारागिर्दी कर रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, शोर शराबा मचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, मेरा मानना ही है। लोग पीते हैं तो पीना, पीने के बाद मज़ा आता है, लेकिन आप इसलिए तो पीछे, इन्होंने कहा कि एंजॉय करते हैं। मैंने बताया, अब मैंने आपको ये भी बताया कि स्ट्रेस भी होता है बंदे को, स्ट्रेस होता है तो आदमी को थोड़ा रिलीफ के लिए योगा वोगा करो, बाबा रामदेव बोल रहे हैं योगा करो। मैं वर्कआउट भी करता हूँ, मैं जिम भी जाता हूँ, मैं सब चीज़ करता हूँ। इसकी जरूरत पड़ रही कभी कभार, ओकेशनली बहुत चीज़ें होती हैं सर, कि बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जो बंदे जिम जा रहे हैं वो नहीं पीते, अपना हो गया, बंदे रेड वाइन भी पीते हैं, कोई कोई सॉफ्ट ड्रिंक भी पी के खुश हो जाता है, कोई नॉर्मल बियर पी लेगा तो खुश हो जाए, वही है। बस मेरा मानना ये है कि तो फिर बदनाम क्यों है शराब, ये बताओ। शराब बदनाम उन लोगों की वजह से जो पी के इधर उधर शोर शराबा करना, लड़ाई झगड़े करने, जिस जगह पे बैन है वहाँ पे खड़े होकर पियोगे तो पुलिस वाले तो 4 डंडे मारेंगे ही, और सब वही हाईलाइट होते हैं बंदे, और उन्हें तो मेरा जैसे काम करने वाले बंदे हैं, अब उन्हें पता है ये सब चीज़ों से हमें पुलिस वाले मारेंगे 4 डंडे ये सगर नहीं, आराम से घर पर बैठते हैं, छोटे छोटे पैग लगाते हैं और आराम से सो जाते हैं, तो ये बेस्ट है मेरा मानना है। पीना कभी ज़्यादा हो गई, कभी ज़्यादा हुई तो सो जाता है बंदा। अब कभी हुई ऐसा आपके साथ? हाँ बिल्कुल हुआ है। तो क्या किया आपने फिर? कुछ नहीं किया सर, उस टाइम फिर नींद ही आती है बंदे को। अब ये नहीं कि मैं गाड़ी लेके निकलूंगा और शोर शराबा सबको मारता फिरूंगा, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग सुपरमैन बन जाते हैं, कई ऐसा होते हैं अपने आप को सुपरमैन सोचते हैं, वो अगर घर में ही पियेंगे वो भी सुपरमैन रहेंगे, वो बाहर जाके उनका होता ही है बिल्कुल, ऐसा हो जाता है कि वो पी पी के इतना अपने आप को कर लेते हैं कि भाई हम ही हैं बस सुपरमैन, अब कोई है नहीं हमारे आगे। तो मेरा मानना है कि पीओ इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट पीओ अपने आप को देखना पड़ेगा कि हाँ भाई हम कहाँ पे बैठे हैं, किस माहौल में, पार्टी होती है, लोग पार्टियों में लगाते हैं अपने, शादी बारात में हो गए, कॉकटेल वॉकटेल ये सब चीज़ का सब चीज़। अच्छा, तो देखा मैंने लड़कियाँ भी बहुत पीने लगी। हाँ लड़कियाँ, अब मैं अब लड़के लड़कियाँ बराबर ही है सर हर चीज़ में, कोई ऐसे बोल नहीं सकते कि लड़कियाँ छोटी है लड़कियाँ बराबर है, तो सबका वही बताया, आप उसके लिए पर्टिकुलर स्पेस बने, क्लब बना हुआ है, लोग अपने, मैंने बताया वो घर में पीते हैं, पार्टी हो गई, शादी बारात हो गई, तो सब। आपने कहा लड़कियाँ ज़्यादा पीती हैं, आपने देखा है कि आपने ऑब्जर्व किया है? हाँ मैंने ऑब्जर्व किया, आजकल लड़कियाँ ज़्यादा पी रही हैं। क्यों, कभी आपकी इंटरेक्शन हुआ होगा? इंटरेक्शन तो कुछ नहीं, बस वो लड़कियाँ पीती हैं देख देख के आजकल कि हाँ ये कुछ नया है, इसलिए क्या पीना उसके अंदर, मतलब कि कुछ नया, कि हाँ कुछ नया हम भी करें, जैसे और सब कर रहे हैं लड़के कर रहे हैं, तो इसमें क्या है नया, तो हम भी करें कुछ पी। हाँ बट एंजॉय के लिए लोग पीते हैं, स्ट्रेस कम करने के लिए पीते हैं, पीने वालों को अलग अलग बहाना चाहिए। आप पीते हो? मैं हाँ पीता हूँ, ऑफकोर्स पीता हूँ। क्यों पीते हो आप?
पीता हूँ क्योंकि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी ना उसने मुझे धोखा दे दिया था, और उसके बाद जो है ना उससे पहले मैं दारू नहीं पीता था, उसके बाद से ही दारू वारू पीना चालू करी है अभी। क्या जाके बोल के गई कि वो दारू पीना चालू कर दो? बोल के क्या गई है, अब उसकी याद इतनी आती है कि दारू पी के ही सारा नशा उतरता है, जब तक दारू नहीं पीता तो दिमाग से बात ही नहीं उतरती। अच्छा, तो ऐसा उसने आपको लत लगा दी, तो कब उसको कोसते हो कभी कि तुमने मेरे को क्या लत लगा दी? उसे कोसता हूँ, बट उसे इसलिए कोसता हूँ कि उसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। अगर उसे मेरी लाइफ में नहीं रहना था, मैं उतना ही बुरा छुपता था, इतना ही उसकी आंखों में छुपता था, तो मेरी लाइफ में उसने एंट्री क्यों करी जो वो अब छोड़ के गई है? तो दारू भी चुभेगी, दारू तो हानिकारक होती है, लिखा रहता शराब पीना हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। लिखा तो बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में, ये भी तो लिखा है जन्म करा है तो मरना भी है, उससे पहले भी तो इंसान को जीना पड़ता है। बस था, हाँ हम भी जॉब करते थे, हम भी इनोसेंट बच्चे थे, हम भी लाइफ में ही सब कुछ करते थे, लेकिन जब से सबसे दिमाग खराब हो गया। सॉरी सॉरी भाई सॉरी। अच्छा, दिमाग खराब हो गया? दिमाग एक ही थी या ज़्यादा थी? मेरी गर्लफ्रेंड तो अभी चार हैंगी, लेकिन अच्छा। एक होता है ना जिससे दिल से दिल मिल जाते हैं, वो वाली फीलिंग बस उसी के साथ थी। हाँ, तो उसने भी चार कर लिए होंगे आपके जैसे? हाँ ऑफ कोर्स। फिर आपको टेंशन क्यों है? मुझे टेंशन इसलिए है ना, मैंने आपको बताया तो, अगर उसे मेरी लाइफ में रहना नहीं था तो उसने एंट्री क्यों करी? हाँ, क्योंकि मेरे पास अब भी चार है, मैंने बताया नहीं है, और चार में से दो मिलने को रेडी है। बट उनसे जो है ना, उनको पता है आप पीते हो? मैं उन्हें पता है मैं और दारू ही पीता हूँ, बस पीते हो? नहीं, पीने की जरूरत क्या है? पर पीने की जरूरत क्या है, ये बाकी चीज योगासन कर लो, एक्सरसाइज कर लो, उससे टेंशन दूर हो जाता है, उससे वो दिमाग खाली हो जाएगा, वो चली जाएगी। अब इंसान को जिस चीज के बारे में पता है इंसान वही चीज तो करेगा। योगासन तो मुझे पता नहीं थी उनमें जाती है या नहीं जाती। हाँ मुझे ये पता था, हाँ दारू पीऊंगा ना तो ऊपर की टेंशन गायब हो जाएगी। मार्केटिंग देखो, युवाओं के पास में कोई भी स्ट्रेस भुलाने का तरीका एकमात्र उनको याद है दारू या शराब जिसको कहें। एक्सरसाइज योगा पहुंचने में भी टाइम लग रहा है, कौन से मतलब, लेकिन होता है कि नहीं? योगा नाम सुना है कि नहीं आप? योगा नाम सुना है, जिम भी करता हूँ, हर चीज़ करता था, लेकिन मैंने आपको बताया ना सब। ये बाल वाल को क्या हाँ बना रखा है आपने? बाल तो जी, बाल तो ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। स्टाइल है, स्टाइल चल रहा है, आजकल का फैशन चल रहा है। हाँ, फैशन है। क्या करते हैं आप? मैं डोमिनोज में जॉब करता था, आईडी ब्लॉक पड़ी है फिलहाल। तो ब्लॉक क्यों हो गई? ब्लॉक यूँ हो गई क्योंकि 2020 में वो एक्चुअली यही सब मामले, ये सब छोड़ो, ये तो अपना पर्सनल। अच्छा, छोड़ देते हैं, पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर है, चलिए। लेकिन लोगों को पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, आपका क्या एक्सपीरियंस है? हाँ। पीने के बाद आपको क्या लगा कि छोड़ देना चाहिए, ऐसा लगा? हाँ, ये दारू है तो बुरी चीज़, लेकिन फिलहाल जो बंदा गम में है ना, उसे गम से भले ही दो घंटे के लिए शांति मिले, लेकिन सुकून मिल जाता है, समझ रहे हो ना? इसलिए दारू मैं कभी कभी पी लेता हूँ, वरना अपने दिमाग को शांत रखने के लिए मैं पीता हूँ। समझ कभी रहे? कभी ऐसा हुआ कि पी के टल्ली हो गया और उधर माहौल बना दिया पूरा? ये होता है ना। हाँ, एक बार हुआ था कि मैं, हाँ यही तो था, सेफू था। क्या हुआ? ये सेफू था, एक बार ये हुआ, मैं बहुत टेंशन में था, तो मैं दारू पिया जा रहा, मैंने बोतल ख़त्म कर दी, तब मैं इसी के गले रख के रोया था बस। अच्छा, इसके गले रख के बहुत रोया था मैं। अच्छा, क्योंकि यार वो छोड़ के चली गई, सेफ वो छोड़ के चली गई, जिसे अपनी ज़िंदगी माना था ना, वही अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके चली गई। उसकी शादी हो रखी है अब? शादी नहीं, मतलब कि रिलेशन में चल रही है, लिविंग में चल रही है। कहीं और चल रही है? हाँ, कहीं और चल रही है। टेंशन हो गया इसको? हाँ। तो लोग गम भुलाने के लिए पी रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। जो पिएगा वो मरेगा, बयान पे क्या प्रतिक्रिया? देखो, दारू पिएगा जो नहीं पिएगा इंसान के ऊपर है, बंदा पीता अपने पैसों के पीता है, लेकिन जो फैक्ट्री में दारू बनी है ना, वहाँ पर ध्यान क्यों दिया कि मतलब ऐसे क्या दारू बनाई है जिससे बंदे मर गए? जो वहाँ का प्रशासन था वो क्या कर रहा था? जो सुपरवाइज़र थे, टीम थी जो सुपरवाइजिंग करती है, वो क्या करती थी उस टाइम? तो उनका काम है ना देखने का कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। जो नीतीश सर बता रहे, नीतीश सर का जो बयान है ना वो गलत है, उनको ये देखना चाहिए। अगर उन लोगों की जगह कोई उनके घर का बंदा, कोई बाहर का बंदा होता, तभी वो ये बात बोलते। तो ये कहना बेकार है ना कि जो पिएगा वो मरेगा, वो चीज़ बेकार है, मेरा कहना यही है। अच्छा, कुछ लोग पीते हैं और कुछ लोगों को पीने का बहाना चाहिए, कुछ बोलते हैं इन्जॉयमेंट के लिए, सिरदर्द हटाने के लिए, टेंशन हटाने के लिए, दूर करने के लिए हम पीते हैं। देखो, ये तो एक मिथ है कि मतलब इससे पीने से ही सब कुछ ठीक होता है। जो नहीं पीता क्या वो जो बंदा जी नहीं रहा? ये तो मिथ है कि हमने एक वजह ढूंढ रही कि पियेंगे तो हाँ इन्जॉयमेंट है, या सिरदर्द है कि मैं काम के प्रेशर में बैठा उसमें मैंने पी ली, ये सब ऐसा मिथ है। इससे कोई वो नहीं पड़ता फर्क कि पीना ना पीना, इंसान के ऊपर है। अब हैबिचुअल हो जाएगा, डेली पिएगा बस, नहीं तो वही पैसा घर में काम आएगा।
मैं तो पैसे की ज्यादा बर्बादी होती है। बर्बादी तो है, पूरी पूरी बर्बादी है। वही पैसा घर में काम आएगा, पीने के बाद इंसान दूसरा रूप धारण कर लेता है, इंसान से शैतान बन जाता है। तो मेरा कहना तो है कि ये पीना वीना नहीं चाहिए, क्योंकि सब बेकार चीज़ है। अपना स्वास्थ्य खाना खाओ, जूस पियो, दूध पियो। कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया में आए नहीं पिया तो फिर क्या किया, वो नहीं पिया क्या किया, लेकिन वो वाली बात है ना कि यार दुनिया में जब आए थे पी के आए थे क्या? जब पहली जब माँ के हाथ में आए थे, जब माँ ने दारू दूध की दारू पिला दी थी कि ये पियो, ये तो कहने की फालतू की बात है कि दुनिया में आया नहीं पिया तो क्या पिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करते हैं आप? मैं एम्स में हूँ, मैं एम्स में जॉब करता हूँ। जॉब कर? हाँ। तो कितनी उम्र है आपकी? 28। हाँ जी। आपने कभी ट्राई की? नहीं, मैं नहीं करता। मैं माँ लोगों को देखता हूँ पिया हुआ बंदा अपने घर वालों को गाली दे रहा होता है। हमारे साथ डेली का एमएलसी का केस है, हम एमएलसी बनाते हैं, हम देखते हैं कि मतलब पिया बंदा अपने बाप को गाली देता है, माँ को गाली दे रहा है, उसको होश ही नहीं है कि वो मेरा बाप है, वो मेरी माँ है। हम तो डेली चीज़ देखती है, उसको मार दिया, उसको मार दिया, रात पूरी वेस्ट करनी है, वहाँ पर सारा ये काम चलता है। मतलब ये है कि जो दारू है बंदे पीते हैं, मेरे हिसाब से नहीं पीनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ों में रोक लगा रही है तो इस पर रोक क्यों लगा रही? दारू, सिगरेट, तम्बाकू, हर जगह जगह सिगरेट तम्बाकू के ऐसे थूके हुए होते हैं लोगों ने, उस पर रोकने लगा रही। ये पहले बंद करनी चाहिए ना चीज़ें। सिर्फ दारू नहीं, बाकी चीज़ को भी बैन। अब कुछ लोगों को इनकी बात सुन के टेंशन आ सकता है, लेकिन चलिए ये मत कर लेना कि टेंशन दूर करने के लिए एक और चढ़ा ली। कोई गम भुलाने के लिए पी रहा है तो कोई स्ट्रेस हटाने के लिए पी रहा है। किसी को पीने के लिए बहाना चाहिए तो किसी को पीने के लिए बहाना चाहिए ही नहीं। मौसम बनाने के लिए पी रहा है, मूड बनाने के लिए पी रहा है, एंजॉयमेंट के लिए पी रहा है। लेकिन सच तो यह है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था, है और रहेगा। और जहरीली शराब ये तो सबसे बड़ा क्राइम है, ध्यान रखिएगा। कैमरामैन राहुल देव के साथ भूपेंद्र सोनी देवराही।